नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी साइंस पर आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि और वृषभ लगन के लिए 13 अप्रैल से 14 मई तक का जो सूर्य का ट्रांजिट है मेष राशि में, यानी उच्च का सूर्य आपके लिए कैसा रहेगा। तो अगर आपका वृषभ राशि या वृषभ लगन है तो आपके सूर्य 12वें भाव में मेष राशि में ट्रांजिट करेंगे और ये ट्रांजिट 13 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 14 मई तक ये रहेगा। तो कुल मिलाकर ये ट्रांजिट आपके लिए कैसे रहने वाला है, तो देखिए, एक तो आपके ये कॉन्फिडेंस को कम करेगा। आप नया कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसको आप ना करें। हो सकता है सरकार की ओर से, अगर आपको सूर्य यहाँ पर खराब रिजल्ट दे रहा हो तो सरकार की ओर से आपको कोई जुर्माना लगाया जा सकता है, जिससे आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। और कहीं भी आप अपना पैसा लगाने के लिए बहुत सतर्क हो जाएं और बहुत सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें। आपको रात्रि को सोते समय प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको हो सकता है नींद पूरी नहीं हो, और अपने मैरिड लाइफ के पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार के विवाद से आप जरूर बचें। इस दौरान आपको कोई हेल्थ से रिलेटेड इश्यू भी रह सकता है। आपको कॉन्फिडेंस बहुत कम रहेगा, जिससे आप कोई भी ऐसा काम अगर करते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए तो वो आपको थोड़ा सा कम हेल्प करेंगे यहाँ पर सूर्य। दूसरा, अगर आप स्पोर्ट्स के फील्ड में हैं, अगर आपको कोई आप ऐसा काम करते हैं जहाँ पे आपको एनर्जी चाहिए होती है तो वो आपको नहीं मिलेगी। और इस दौरान सूर्य आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंस ही नहीं देंगे, तब आप समझ सकते हैं कि आप किसी भी काम को अच्छी प्रकार से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सूर्य एक एनर्जी है, सूर्य एक ऊर्जा है, सूर्य एक एक्साइटमेंट है, और सरकार से आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। हो सकता है इस दौरान आपको अपने फादर से भी थोड़े से संबंध खराब हो या उनसे भी कोई हेल्प ना मिले, तो इस एक महीने की लगभग अवधि में आपको थोड़ी सी सावधानी जरूर रखनी है सूर्य के इस ट्रांजिट की वजह से। अगर आप फॉरेन से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर सूर्य रिजल्ट दे सकते हैं, और अगर आपको अच्छे रिजल्ट सूर्य ने दिए तो फॉरेन से संबंधित कार्यों में आपको बहुत अच्छा लाभ सूर्य दे सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।